क्लासेस, मैं हूं दबिता और हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर कर रहे थे। इसमें हमने ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन कर लिया था। आज हम करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, यानी कि फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम कंपनी के डिबेंचर सामने वाले पर्सन को दे रहे हैं और उससे कैश नहीं ले रहे। ऐसा कैसे भाई, हम अपने डिबेंचर दें और उससे कैश ना लें? बिल्कुल ऐसा होता है। किन केसेस में होता है? लाइक कंपनी अगर अपने ही डिबेंचर्स प्रमोटर को इशू करती है, प्रमोटर जानते हैं ना हम, जिसने कंपनी का स्टार्टअप किया है। तो अगर जिस बंदे ने कंपनी का स्टार्टअप किया है तो हम उसे एज अ इनकॉर्पोरेशन की भाई उसे स्टार्टअप किया है, हम उसे डिबेंचर इशू करते हैं, तो हम उसे कोई पैसे नहीं लेते। सेकेंड, हम जो सिचुएशन देखेंगे क्वेश्चन में वो होगी जब हम बिजनेस खरीदते हैं, सामने वाले का हम बिजनेस खरीद रहे हैं, यानी कि किसी भी कंपनी का हम बिजनेस खरीद रहे हैं। अब बिजनेस खरीदते वक्त हमारे पास एसेट्स भी आते हैं, उसकी लाइबिलिटी भी आती है और हमें कुछ पैसा देना होता है। तो हम उसे पैसे देने की बजाय क्या करते हैं? हम उसे डिबेंचर इशू करते हैं। तो उसको हम बेसिकली इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश कहते हैं, यानी कि हम उसमें कोई पैसा नहीं लेते, हम उससे डिबेंचर इशू कर देते हैं, राइट? अब इस केस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और इस केस को करेंगे। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो कंपनी के पास तीन सिचुएशन होती है सामने, तीन हमें पता है ना, एक तो पार की, एक प्रीमियम की और एक डिस्काउंट की। यानी कि कंपनी अपने डिबेंचर्स तीन तरीके से इशू कर सकती है, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पर, राइट? अब हम तीनों ही केस समझेंगे कि क्या होता है। देखो, सबसे पहले इशू डिबेंचर जब हम अदर देन कैश है तो उसमें दो एंट्री बेसिकली पास की जाती है, पहला बिजनेस खरीदने की एंड दूसरी डिबेंचर देने की, राइट? तो सबसे पहले जो एंट्री होती है बिजनेस खरीदने की, वो तीनों ही केस में सेम रहती है। अब जो डिफरेंस आता है वो आता है सेकेंड एंट्री में। इसके लिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग। ABC लिमिटेड ने टुक ओवर द एसेट ऑफ रुपीज 6,60,000 एंड लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 80,000। ABC लिमिटेड ने सामने बिजनेस खरीदा किसी से जिसमें 6,60,000 के एसेट थे और लाइबिलिटीज भी साथ के साथ आती है। देखो, जब हम बिजनेस खरीदते हैं तो उसके एसेट्स अगर हमारे होते हैं तो लाइबिलिटी भी हमारी होती है। किससे खरीदा? वाई लिमिटेड से फॉर एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 6,00,000, जिसमें हमने बोला कि आपके बिजनेस की वैल्यू लगी है 6,00,000 रुपये, ठीक है? हम उन्हें इशू कर रहे 12% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच। 100 रुपये का डिबेंचर है, 12%, यानी कि 12% उसका रेट है। अब तीन कंडीशन है, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। तो मैंने जैसे बताया कि कितनी एंट्री करी जाती है, दो एंट्री। पहली एंट्री होती है बिजनेस खरीदने की। बिजनेस खरीदने की एंट्री क्या होती है कि एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं तो हम एसेट्स को डेबिट करते हैं, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, ठीक है? और टू, जिस बंदे से हम बिजनेस खरीद रहे हैं वो हमारा अब वेंडर बन चुका है, यानी कि उसका सामान हम लोग ले रहे हैं, हमारा वेंडर है, हमने उसको पैसे देने हैं। हम पैसे देने के बजाय उसे डिबेंचर दे रहे हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तो टू वाई लिमिटेड, राइट? अब यहाँ पे हमने एसेट्स लिखे 6,60,000 के, 80,000 की लाइबिलिटी और हमने उसके बिजनेस की वैल्यू लगाई 6,00,000। अब आप देखोगे कि जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है उसकी टोटलिंग आपस में मैच नहीं कर रही। डेबिट साइड 6,60,000 आ रहा है जबकि क्रेडिट साइड 6,80,000 आ रहा है। तो इस केस में एक चीज़ जाननी है हमने, अगर हमारी डेबिट साइड कम है तो इट मीन्स वो गुडविल अकाउंट है। कितने का जो डिफरेंस होगा, तो 6,80,000 में से 6,60,000 गए तो डिफरेंस था 20,000 का, तो हम गुडविल लिखते हैं। यानी कि हम उस पर्सन को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं 20,000 रुपये, किस चीज़ के? कि उसके बिजनेस की गुडविल थी। और कई केसेस में ऐसा होगा कि हम उसको कम पैसे देंगे तो ये वाली साइड जो है हमारी वो कम आएगी। तो जब ये वाली साइड कम आती है तो हम उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट से डिनोट करते हैं। तो अगर आपकी डेबिट साइड कम है इट मीन्स गुडविल, क्रेडिट साइड कम है इट मीन्स कैपिटल रिजर्व। तो इस केस में कैपिटल रिजर्व कुछ नहीं है बट कई केसेस में होता है। फर्स्ट एंट्री ये पास की जाएगी। अब चाहे पार पे हो, प्रीमियम पे हो, डिस्काउंट पे हो, फर्स्ट एंट्री आपकी यही रहेगी, सेम रहती है। एसेट्स आते हैं, लाइबिलिटी आती है तो क्रेडिट होती है। बिजनेस खरीद रहे हैं, वो पर्सन हमारा वेंडर है, क्रेडिट किया जाएगा, डिफरेंस गुडविल में डाल दिया, ठीक है? अब बात आती है सेकेंड एंट्री की, राइट? अब सेकेंड एंट्री के केस में हम लोगों को
इशू ऑफ डिबेंचर में, मतलब डिबेंचर के नंबर्स निकालने होते हैं कि आखिर हम उनको कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है। अब पार के केस में तो देखो सेम रहता है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला ये रहता है कि आपने परचेज, मतलब बिजनेस का प्राइस कितना था, तो हमारा जो भी हमने परचेज कंसिडरेशन उसको बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय जो हमारे डिबेंचर का अमाउंट है, ठीक है। अब ये पार के केस में ऑफकोर्स 100 रुपये का डिबेंचर है, प्रीमियम और डिस्काउंट के केस में चेंज हो जाता है, तो हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर चेंज हो जाते हैं। अब पहले तो एंट्री समझते हैं, फिर इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। देखो अब हमें Y लिमिटेड को क्या करना है, डेबिट करना है, कितने से, 6 लाख से। Y लिमिटेड का जो अमाउंट है वो एंट्री में कभी भी चेंज नहीं होता, कब चेंज होता है, जब हम उन्हें कुछ कैश अमाउंट दे दें तब चेंज होता है, अदरवाइज Y लिमिटेड का कोई भी अमाउंट चेंज नहीं होता। अब हम उन्हें 12% डिबेंचर इशू करें, तो 12% डिबेंचर अकाउंट कितने, 6 लाख, 6 लाख पूरे के डिबेंचर है, पार पे है। अब इस केस में अगर मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना हो, कैसे निकालेंगे, आपका परचेज कंसिडरेशन है 6 लाख का, डिबेंचर का प्राइस है 12% डिबेंचर ऑफ ₹100, तो अगर आप कट कर दोगे तो आप 6000 डिबेंचर इशू कर रहे हो, राइट। आपने कितने डिबेंचर इशू करे, 6000 डिबेंचर, तो अगर आपको नंबर्स निकालने आते हैं तो आपको परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट पता होगा, जो कि Y लिमिटेड के अकाउंट या जो भी आपका वेंडर होगा उससे आपको पता चलता है, और जो भी आपका डिबेंचर का अमाउंट निकला है वो। अब इस केस में तो हमने ये सॉल्व कर लिया, अब आती है बात अगर प्रीमियम हो, प्रीमियम यहाँ पे दिया 20%। अब 20% का केस कैसे सॉल्व करेंगे, हमारी एंट्री एज इट इज रही, सेकेंड एंट्री में क्या चेंज आएगा। देखो प्रीमियम क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट किया जाता है कंपनी के, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। अमाउंट क्या, वाई लिमिटेड का अमाउंट सेम रहेगा 6 लाख, हम वाई लिमिटेड का अमाउंट चेंज नहीं करते, ये चीज़ ध्यान में रखें, ठीक है। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स चेंज हो जाएंगे इसमें, कैसे, हम 100 रुपीज के डिबेंचर 20% प्रीमियम पे, तो 20 रुपये प्रीमियम पे हम दे रहे हैं, तो यानी कि अब हमारे डिबेंचर का अमाउंट हो गया 120 के हिसाब से अगर मैं इसको कट करूँ, हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे 5000। तो 5000 के हिसाब से अब हमें सॉल्व करना है, आपको Y लिमिटेड को चेंज नहीं करना, आपके 5000 डिबेंचर्स हैं 100 के, 5000 डिबेंचर्स पे प्रीमियम है 20 रुपीज़, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख और यहाँ आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से प्रीमियम की एंट्री की जाएगी, जो कि नॉर्मल है, आपको Y लिमिटेड के अमाउंट को चेंज नहीं करना, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि Y लिमिटेड के अमाउंट को चेंज बिल्कुल नहीं करना। आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स चेंज होते हैं, जिसको हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, यानी कि प्रीमियम है तो प्लस कर देते हैं, डिस्काउंट होगा तो माइनस कर देंगे। अब ये प्रीमियम का हो गया, अब हम डिस्काउंट का समझते हैं। देखो डिस्काउंट भी है 20%, 100 का 20% 20 आता है। अब परचेज कंसिडरेशन है हमारा 6 लाख, राइट। डिबेंचर का अमाउंट क्या होगा, 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये डिस्काउंट पे 80, राइट। अब हम इसको कट करेंगे, ₹7500, यानी कि इस केस में हम उसे 7500 डिबेंचर इशू कर रहे हैं। एंट्री क्या पास की जाएगी, देखो ना तो प्रीमियम है तो प्रीमियम को हटा दो, डिबेंचर्स को बाद में लिखेंगे। अब डिस्काउंट, कंपनी के लिए नुकसान की बात होती है तो डिस्काउंट अकाउंट हमेशा डेबिट किया जाता है। क्या ओपन किया जाता है अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं और डिस्काउंट देते हैं तो पर्टिकुलर अकाउंट ओपन होता है, जिसे हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बोलते हैं, यानी कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं किस पर दे रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर पर, और 12% डिबेंचर अकाउंट। अब इस केस में 6 लाख बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वाई लिमिटेड को चेंज नहीं करना, हमारे हो गए 7500 डिबेंचर्स ऑफ रुपीस 100 का है, 100 लिखा, कितना आ जाएगा 7,50,000। अब 7500 पर हमने 20% का डिस्काउंट, यानी कि 20 रुपये का डिस्काउंट दिया, जो कि हमारा आएगा, ये 6 लाख थोड़ा इधर को लिखती हूँ, जो कि हमारा आएगा 7500 मल्टीप्लाई बाई 20,
दैट इज 1,50,000। तो हमने डिस्काउंट को डेबिट किया, ठीक है। अब आप देखोगे तीनों एंट्री में वाई लिमिटेड का अमाउंट बिल्कुल भी नहीं हिला है। हमारा जो चेंज आता है वो नीचे मतलब कि एंट्रीज में आता है, लाइक हमारे प्रीमियम में आएगा या फिर हमारे डिस्काउंट में आएगा। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके 12% डिबेंचर का अमाउंट भी नहीं हिलता। आपका डिबेंचर 100 का है, 100 का ही रहता है। प्रीमियम है तो प्रीमियम को क्रेडिट कर देते हो, डिस्काउंट है डिस्काउंट को डेबिट। तो इस तरीके से एंट्री पास की जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ आया होगा। अब एक चीज़ और बताती हूँ कि कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि ये एंट्री सेम करने के बाद हमें वो ये बोलते हैं कि हमने उनको 50,000 कैश दे दिया। 50,000 कैश देने का मतलब ये होता है कि आपको एक एंट्री बीच में एक्स्ट्रा करनी होती है, जो कि क्या होगी, वाई लिमिटेड को आप डेबिट करोगे टू कैश से। आप कितने दे रहे हो उसे, 50,000 दे रहे हो। तो जो इस केस में आपका परचेज कंसिडरेशन जो है 6,00,000 रुपए का, जिसका आपने बिजनेस लिया था, 50,000 दे दिए, तो उस केस में आप क्या करोगे, इस अमाउंट को 5,50,000 कर दोगे। कब, जब हम उन्हें कुछ भी कैश देते हैं या फिर बिल्स पेबल आ जाता है कि 3 मंथ्स का हमने बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया। तो उस केस में अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं तो उसके लिए हम 2 बिल्स पेबल अकाउंट मेंशन करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और जो भी आप कैश दे रहे हो या बिल्स पेबल दे रहे हो, ये क्वेश्चन जब आप थोड़े से इजी क्वेश्चन से थोड़े से डिफिकल्ट पार्ट पे आओगे तब ये केसेस आते हैं। तो अगर आप बिल्स पेबल दे रहे हो सपोज 20,000 का, तो टोटल अमाउंट आपने उसका क्लियर कर दिया 70,000। तो अब उसको ड्यू कितना है, 6,00,000 में से अगर 70,000 हम उसको कह चुके हैं तो बाकी का अमाउंट यानी कि ये गया 5,30,000 के हम उसे डिबेंचर इशू करेंगे। तो उस केस में परचेज कंसिडरेशन हमारा 5,30,000 होगा। समझ आया? तो ये आप जब क्वेश्चन अभी आप इसको समझने के बाद थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करोगे तो ये पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि अभी ये पार्ट आपको क्लियर ना हो, बट जब आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तब आपको ये पार्ट समझ आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ आया होगा। तो बस आज का टॉपिक यहीं तक का था, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की और चीज़ें सीखेंगे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने डाउट आप मेरे से YouTube और Instagram पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।